हेलो जी, गुड मॉर्निंग। अभी अभी हमारी जो ड्यूटी ख़त्म हुई है, मैं और फजल अभी बस से उतरे हैं। जो पहला काम करना है वो ये है कि बैंक में जाना है और पैसे पाकिस्तान भेजने हैं। अगर आप बैंक में नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान वाले आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, इसलिए आप हर महीने में 2-3 दफ़ा बैंक जाएंगे तो पीछे भी खुश रहेंगे और कॉल भी करेंगे। जब तक आप नहीं करेंगे, पैसे नहीं भेजेंगे तो वो कॉल भी नहीं उठाएंगे। तो भाई ये काम ज़रूरी है, तो पहले ये काम करेंगे, उसके बाद करेंगे नाश्ता। और नींद भी बहुत ज़्यादा आई है क्योंकि नाइट ड्यूटी की है, 12 घंटे शिफ्टें लगाई हैं। भाई पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान में बोलते हैं अच्छा बाहर है, बाहर क्या पता है, सारी रात काम करता है। ओके जी, तो अभी आपको मिलते हैं जाके बैंक में। बैंक में ईद की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं और सारे बैंक बंद हैं यार। अब ये देख रहे हो, ये लाइन से टोटल बंद है। तो अभी अल्लाह करे कोई ना कोई बैंक खुला मिल जाए और पैसे भेज दें पाकिस्तान। ओके जी, फाइनली ये बैंक खुला। बैंकिंग का काम ख़त्म कर लिया, तो अभी जो है ना भूख वो शदीद किस्म की लगी हुई है। तो अभी पहले करते हैं नाश्ता, फिर करते हैं काम कोई दूसरा। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कौन सा हमें होटल मिलेगा। यहाँ पे ये चाइनीज़ हैं और यहाँ पे इंडियन होटल है, उधर चलते हैं देखते हैं उनके पास खाने में क्या क्या है। शीशी कर ला, अभी इंडियन रेस्टोरेंट में चलते हैं तो देखते हैं उनके पास खाने में क्या मिलता है। ओके जी, ये इंडियन रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इनके पास खाने में क्या है। यहाँ पे आपको मिलेगी रोटी चनाई, ये यहाँ की मलेशिया की रोटी है ये। और यहाँ खाने में क्या है, ये तो भिंडी है शोरबे वाली और साथ में चिकन और ये है मछली। ओके जी, चावल की प्लेट आ चुकी है हमारे पास। और यहाँ पे जो है ना सालन बहुत ज़्यादा किस्म के हैं, तो जो आपका दिल है वो लो। अभी ये सब ट्राई करेगा, शायद बाद में खाया जाए ना इसे। इस साइड पे ये है बंद गोभी और ये है फलियाँ। फोरमे तो फलियाँ पकाइया कि स्टाइल दी बेच बेच आंडा भी है ये ना है यार, खाद ही ना जाए। ओके ट्राई करते हैं। मलेशिया वाहद मुल्क मैंने देखा है जहाँ पे लोग चाय में बर्फ़ डाल के पीते हैं। ये देख लो, ये बिल्कुल चाय है और इसके अंदर बर्फ़ डाली हुई है। और ये हमारा जवान भी पी रहा है। रोटी छोटी तो खा लिया जी, रोटी वाला तो काम ख़त्म हो गया। तो अभी जो एक ज़रूरी काम पड़ गया वो है कि फजल ने अपने मोबाइल का जो है ना प्रोटेक्टर वो चेंज करवाना है। तो ये बोल रहा है कि पहले चलते हैं एकदम से मार्केट में, वहाँ पर जाके इसका जो प्रोटेक्टर है वो चेंज करवाएंगे और उसके बाद जाएँगे घर। सुपर मार्केट पहुँच चुके हैं, तो अभी देखते हैं यहाँ पे शॉप खुली है कि नहीं, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 8:30 का। ओहो, शॉप तो टोटली बंद है, ये खुली है लेकिन इसका जो हवालदार है वो पता नहीं किधर है। ओ मेरा बच्चा, चल इधर बालू ही कट लिए, प्रोटेक्टर नहीं लगता थे यार, बंदा नज़र नहीं आ रहा किधर गया शॉप वाला। ओके जी, फाइनली ये हमें मिला चूज़ा एक, इसकी दुकान से लेंगे प्रोटेक्टर। ये दे रहा है 20 रिंगिट का, 20 रिंगिट का प्रोटेक्टर। पाकिस्तान में कितना हो गया, 900 रुपये का प्रोटेक्टर दे रहा जी ये। शाबाश शाबाश, चंगी तरह साफ कर वीर, भी लेने नहीं। उसका मोबाइल भी ब्रांड नहीं हो गया और अभी ये भी खुश है, और खुशी इतनी है कि बैठ ही गया उधर। तो उसने पूरा घंटा लगाया है इसका प्रोटेक्टर लगाने में। तो अभी जो सीन है वो ये है कि नींद बहुत ज़्यादा आ गई है और घर भी पहुंचना है, तो घर जाने के लिए हमें करवानी पड़ेगी ग्रैब। मेरी आ चुकी है, देख रहे हैं ब्रांड न्यू कार है, तो इसमें बैठते हैं और चलते हैं घर, घर जाके मुलाकात होती है। अभी अभी घर पहुँचे तो भाई नींद जो है ना वो कुत्ते की किस्म वाली नींद आई है, फुल हरामी नींद आई है। तो पहले सोते हैं फिर करते हैं काम कोई दूसरा, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जैसे ही मैं सो के उठाऊँ तो हाफिज़ साहब ने सरप्राइज़ किया। हाफिज़ साहब ने बोला कि आप लोगों को मैं आज KFC पे लेके चलता हूँ, जो आप खाओगे उसका जो बिल है वो मैं पे करूँगा। तो अभी इधर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। हम लोगों ने खाना था जिंगर जो कि उनके पास नहीं था, तो फिर हमने और कुछ डिसाइड कर लिया। ये हमारा मेन्यू ये आ चुका है, अभी इसमें से बर्गर जो है वो। वेलकम टू मलेशिया जी। ये भाई ये भी दोनों न्यू आया, ये भाई अंबर है और ये सजावल है। ये अजहर का मामू है और ये अजहर का पुप्पू का बेटा है।
और ये इनका फोरमैन है। बड़ी गल है तेन व्हाट्सएप की पै गई सही। हमारे घर के बाहर ही आफ्ताब बाजार लगता है, तो ये दोस्त बोल रहे थे कि अभी हम लोगों को दिखाओ कि आफ्ताब बाजार में क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान से जो भी आता है नया वो किसी भी कंट्री में जाएगा तो उसके लिए सब चीज़ें नई होती हैं, तो इसलिए हमने भी सोचा कि थोड़ा ये इंटरटेनमेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनको भी एक दिन हुआ आए, इसलिए हम लोगों ने बोला कि चलो आओ आप लोगों को दिखाएं कि यहाँ का जो आफ्ताब बाजार है वो किस तरह का होता है और जो पाकिस्तान में आफ्ताब बाजार या जुम्मा बाजार लगता है वो किस तरह का होता है। तो फजल साहब ने बोलते हैं कि मैंने बोतल लेनी है, मैंने बोला छोड़ो यार क्या लेनी है बोतल, इनको घुमाओ, तो फिर घूम के वापस चलते हैं। चीज़ तो कोई लेनी नहीं थी, वैसे ही विंडो शॉपिंग कर रहे थे तो इन्जॉयमेंट कर रहे थे, वो हंस रहे थे कि यार यहाँ का जो जुमा बाज़ार आफ्ताब बाज़ार है वो पाकिस्तान की तरह नहीं है, पाकिस्तान में तो ज़्यादा रश होता है और जो सामान वगैरह होता है बेचने वाला वो कम होता है। तो हम लोगों ने बस उनको बोला कि आप देख ही जाओ जो जो भी है और इन्जॉय करो, और वो बोल रहा था कि मैं पाकिस्तान वाले लड़कों भी को ये वीडियो सेंड करूँगा तो फिर उनको बोलूँगा कि मैं तो मज़े कर रहा हूँ। तो मैं उनको बोला क्यों उनका भी दिल ललचा रहे हो यार, अगर उन्होंने बोला कि हमें भी बाहर बुलाओ तो क्या करोगे, क्योंकि जो मोस्टली लड़के होते हैं वो बाहर की ये चीज़ें देख के बोलते हैं कि हम लोगों ने भी बाहर जाना है, असल में हकीकत कुछ और होती है, वो उनको नहीं पता होता, क्योंकि वो चीज़ें ये देखते हैं कि ये लोग बड़ा इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, तो काफ़ी इन्जॉय किया फिर वापस चले गए। नींद भी मेरी बिल्कुल पूरी नहीं हुई, तो नींद भी बहुत ज़्यादा आई है और काम भी ये ज़रूरी करने वाला है, क्योंकि कटिंग करवानी है और ख़त वगैरह भी करवाएंगे, तो अभी कॉल की है दोस्त को सलोन वाले को, वो बोलता है कि अभी मैं फ्री हूँ, अगर आपने कटिंग वगैरह करवानी है तो अभी आ जाओ, तो अभी हाफिज़ ने भी कटिंग करवानी है और मैंने भी करवानी है, तो अभी सोचा कि अभी निकलते हैं तो कटिंग करवाते हैं और देखते हैं क्या सीन है। सलोन पे पहुंच चुके हैं अभी, ये इंडियन हमारा दोस्त है उसका सलोन है, तो हाफिज साहब ऑलरेडी पहले पहुंच चुके हैं, कटिंग में मसरूफ है, मैं चलता हूं अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ लिया जी, तो अभी अभी नमाज़ ख़त्म हुई है, तो अभी सब लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, तो अभी हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो अज़र फजल सब लोग वगैरह आते हैं तो फिर उनसे मिलते हैं और फिर गल चलते हैं, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है, पहले करते हैं पेड़ पूजा फिर करते हैं काम दूजा। भाई जी भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी है, तो अभी टाइम हो चुका है 9 का, बहुत ज़्यादा लेट कर दिया यार, पहले तो जल्दी कर रहे थे, तू तो चुप कर यार। एक फिर मिले जी, दोबारा मिले जी, बन रही ईद का मौका है। खैर मुबारक भाई, खैर मुबारक, मिलो मिलो सारे मिलो, बिछड़े यार मिल रहे, चलो यार। नमाज़ पढ़ने के बाद टाइम हो गया जी नाश्ते का, और नाश्ते में हमें मिला जी बिरयानी, वो भी लेयर्स वाली, फुल स्पाइसी, मज़ेदार, मज़ा आ गया खा के। नाश्ता करने के बाद सो गए थे, कुछ भी शूट नहीं किया, तो नमाज़ का टाइम हो गया, जहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गए हैं, तो नमाज़ वगैरह सब लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि सुबह नाश्ता करने के बाद सब लोग थके हुए थे, तो सो गए थे, कुछ भी शूट नहीं किया। टाइम हो गया जी 9:30 का, मैं और हाफिज़ अभी पहुँचे हैं बस स्टैंड पर, क्योंकि हमें एक लड़के को पिक करना है, लड़का तो नहीं आप कहेंगे, अंकल को पिक करना है, क्योंकि वो ईद वाले दिन पाकिस्तान से मलेशिया में आए हैं और अभी वो पहुँचे हैं, तो उनको पिक करने के लिए मैं और हाफिज़ आए हैं और उनको ढूँढ रहे हैं कि वो किधर खड़े हैं। यार कैसी बात है, मैं तो उनको बोलता हूँ कि आपने ये क्या किया, कम से कम आप ईद पाकिस्तान में करते तो ईद के बाद आ जाते, क्या इतनी एमरजेंसी है, लेकिन जिधर आपका नसीब है उधर आपने जाने जाना है उस दिन। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया, मैं हाफिज़ और सब लोग जो हैं वो बीच पे जा रहे थे, और ये जो आपको पुल नज़र आ रहा है ब्रिज, इसके रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। ये वाला ब्रिज आपने किसी न किसी फिल्म में देखा होगा, जी हाँ, आपने शाहरुख खान की फ़िल्म जो है डाउन, उसमें इस ब्रिज को देखा होगा, क्योंकि शाहरुख खान की जो फ़िल्म डाउन है उसका जो शूट है वो इस ब्रिज के ऊपर भी हुआ। और ये ब्रिज की जो खसूसियत वो ये है कि इसके जो नीचे है ना कोई सपोर्ट नहीं है, ये आपको जो लंबी लंबी तारे नज़र आ रही हैं बेसिकली ये स्प्रिंग है, और जितना भी इसका वज़न है ये स्प्रिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, नीचे इसके समंदर है, टोटल पानी है।
तो ये ब्रिज जो इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पे शाहरुख खान ने फिल्म शूट की है डॉन और उसमें सीन। आज हवा तेज है ना, प्रेशर भी बने गर्मी बाकी यार बड़ी हो गई। यहाँ फटा ये चल गया है कि अजहर ने जो जूस लिया उसको वो पसंद नहीं आ रहा, वो बोलता मैंने नहीं पीना। उसने तोहीद को बोला कि मेरे साथ चेंज कर लो, तोहीद भी नहीं उसको दे रहा। तो इन दोनों के दरमियान में जिसका फ़ायदा हुआ वो है फोरमैन, क्योंकि अजहर ने अपना जूस फोरमैन को दे दिया और वो पी लिया। बीच पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया सब ने, बहुत खूब नहाया, खाना पीना किया, हल्ला गुल्ला किया, तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि पानी जो आपको पता है नमकीन होता है। तो काफ़ी देर बाद हम लोग नहाए थे तो जिस्म भी ऐसे दर्द कर रहा था। तो जैसे ही घर पहुँचे हैं सब सो गए हैं, मैं भी सो गया हूँ, तो कोई शूट नहीं किया। अभी ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे बना रहा हूँ, यानी ये ईद का तीसरा दिन है, तो मेरा ख्याल है इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहिए। काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, ये 3 दिन का व्लॉग हो चुका है, तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं ऐड करता हूँ। तो अभी आपके साथ मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तो आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल के आइकन को हल्का सा दबा देना ताकि वो रेड से वाइट हो जाए और मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम के साथ मिले और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो आपने जाना कहीं नहीं, ये आपका। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी को इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।